न्यू सिटी लाइट खाते आवेला स्लम विस्तार में रोज सांजे हनुमान चालीसा ने शास्त्रों श्लोकों अवाज दूर दूर सुधी संभाय से अवाज नाना नाना बाळकों हो भक्तिमय वातावरण ने कारण आसपासना लोको पण अहीं जोवा माटे आवी जाय छे। बाळकों में सनातन संस्कृति अंगे जानकारी मिली रहे ते माटे 55 वर्षीय होम मेकर मंजू मित्तल द्वारा खास अभियान शुरू करवामां आव्युं छे। मंजू मित्तल रोज सूरत शहेरना स्लम विस्तार गणाता ईडब्ल्यूएस आवास में जाए छे अने त्यां 5 वर्षथी लईने 13 वर्षना बाळकोने एकत्र करी तेमने अलग अलग श्लोकोना पाठ करावे छे। એટલું જ નહીં, તેઓ રોજ બાળકોને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરાવે છે, જેથી આ બાળકોને હવે અનેક શ્લોકો અને હનુમાન ચાલીસા કંઠસ્થ થઈ ગયા છે। બાળકો પણ સમયસર મંજુ મિત્તલ આવે તે પહેલાં જ અહીં આવી જાય છે અને બાળકો ક્યારે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ શરૂ થાય તેની રાહ જોતા હોય છે। મંજુ મિત્તલ આ વિસ્તારને સ્લમ વિસ્તાર નહીં પરંતુ સબરીધામ કહે છે। તેમનું કહેવું છે કે સંસ્કૃત એ દેવ ભાષા છે, જેથી સબરીધામના બાળકોને પણ આ સંસ્કૃત ભાષા શીખવાનો અધિકાર છે। તેને લઈને તેઓ આ બાળકોને સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન આપે છે। ત્યારે આમ અંજુ મિત્તલ બાળકોમાં ખૂબ પ્રિય બન્યા છે। मेरा नाम मंजू मित्तल है और मैं इन लोगों को संस्कृत के श्लोक और मंत्रोच्चरण सिखाने आती हूँ, क्योंकि हमारी देव भाषा संस्कृत है और उस संस्कृत के माध्यम से जब ये देव देवताओं की आराधना करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्राह्मण जब आराधना करते हैं संस्कृत के श्लोक में तो हमको एक अलग अनुभूति होती है। तो इनमें इट सेल्फ ही इन लोगों में ऐसे लगता कि अच्छा हम लोग मतलब इतने अच्छे से उच्चारण कर रहे हैं तो अपने आप ही देव देवताओं का जैसे आह्वान करते हैं। तो सुबह से ही जैसे ये उठते हैं तो कराग्र वस्ते लक्ष्मी यानी आपके हाथों में ही सब कुछ है। फिर ये जब उठ के धरती माता को छूते हैं तो कि हे धरती माता तुझे नमस्कार है, मैं मुझे क्षमा करना कि मैं तुझसे पांव रख रहा हूँ। इस तरीके से मतलब इटसेल्फ अपने आप इनमें भावनाएं विकसित होने लगती हैं। फिर जब नहाने जाते हैं तो सारी नदियों का कि गोदावरी चाहे यमुना तो इनको नदियों की भी पवित्रता और नदियों की महत्ता भी पता चलती है। और मतलब वो बोलते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है वो अपने आप हमारी देवभाषा संस्कृत में है और ये जब वो मंत्रोच्चारण और श्लोक के माध्यम से जब ये स्तुतियाँ करते हैं तो सब कुछ जो एक इंसान चाहता है सफल जीवन के लिए वो हो सकता है। तो इसलिए शबरी बस्ती के जो बच्चे हैं इनके घर में बहुत खुशियाँ आएँ, बहुत आनंद आए, ये लोग उतने ही सक्षम बन जाएँ। और मेरे को सारे श्लोक मंजू दीदी सिखाती है। कौन कौन से श्लोक सिखाए? हनुमान मंत्र सिखाया। बोल के बताओ। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतावर वातात्मजम वानरूप मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रभु श्रीरामदूतम शरणम प्रभु। कैसा लगता है सीख के? कब से सीख रहे हो? क्या क्या लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति जागरूकता आई है? कितना अच्छा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी हनुमान जी के जैसे बनूं, लेकिन जब ये प्रार्थना बोलती हूँ तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसा लग रहा है कि स्वयं हनुमान जी मेरे पास आ गए हैं।